हेलो दोस्तों, ये सुखदेव तनेजा चैनल है और आज की हम वीडियो में अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, इस बार हमने मंगवाया है कुशेंद्रा ब्रांड का जो है स्विंग चेयर विद द स्टैंड, और ये जो है सिंगल पर्सन है और आपको इसमें कुशन भी मिलेंगे और बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। और इसका जो मुझे प्राइस जो है वो 11,300 रुपए के आसपास है, और प्राइस जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे आपको कभी बेस्ट ऑफर मिल जाए, कार्ड पे ऑफर मिल जाए, तो प्राइस जो है हमेशा 1000 अप एंड डाउन चलता रहता है। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और इसकी सील खोल देता हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं बॉक्स के अंदर ये क्या क्या सामान पड़ा है। तो इसमें जो है कुशन वगैरह, यूज़र मैनुअल और उसको असेंबल करने के लिए स्क्रू नट्स वगैरह होंगे, क्योंकि इसका स्टैंड जो है वो अलग है। और इसका जो नेट वज़न जो पड़ा है, जो वेबसाइट पर लिखा है, वो 35 kg के आसपास है। तो 35 kg जरूर इसका वज़न होगा। ये बॉक्स भी काफ़ी भारी है। तो चलिए, मैं एक एक चीज़ जो है आपको बाहर निकाल कर दिखा देता हूँ। तो इस बॉक्स के अंदर जो है हमारा ये कुशन्स ही आए हैं, मतलब जो हमारी जो झूला है उसमें सेटिंग वाला जो आप कह सकते हैं ढांचा आया है। और इसका स्टैंड जो है बिल्कुल अलग है। तो इसमें किसी प्रकार का मुझे कोई यूज़र मैनुअल या स्क्रू नट्स नहीं मिले हैं, तो हो सकता है नट्स जो हैं उसी स्टैंड में लगे हों। तो चलिए, मैं इसके फीचर आपको फटाफट बता देता हूँ। तो आप झूले की फाइनल फ़ोटो आप ये देख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, ये इसका डायमेंशन है। तो अब जैसे आप ये देख रहे हैं, बेस की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 42 इंच और 41 है। इसकी जो हाइट जो है 60 इंच है, यानी कि ये 5 फीट के आसपास है। आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है उसकी हाइट के आसपास है। मैं चाहता तो प्रोफेशनल जो बाज़ार में बनते हैं वो वाला झूला भी बनवा सकता था, पर वो थोड़ा सा भारी हो जाता मेरी छत के लिए। और ये इसके कुशन के डायमेंशन है, जो कि मैं झूले को असेंबल करने के बाद आपको इसका डायमेंशन दिखाऊंगा। ये सिंगल पर्सन बैठे हुए हैं, और अगर हम इसके दूसरा मॉडल देखें तो ये डबल पर्सन वाला जो है ये झूला है सेम ब्रांड में, 12,500 रुपए के आसपास है। और ये दूसरा कैन टाइप जो है ये भी झूला बहुत चल रहा है, इसका जो प्राइस कुशेंद्रा ब्रांड ने रखा है वो 12,000 रुपए के आसपास है। ये दूसरा झूला जो है मुझे पसंद आया था, तो ये कैरी बर्ड ब्रांड के अंदर आ रहा है, तो ये 20,000 से 25,000 के बीच है। और सेम ब्रांड में जो है आपको बिना कुशंस के भी मिल रहा है, तो इसमें जो है वुडन है और ये जो है 11,000 रुपए के आसपास ही है। तो डबल पर्सन है और इसमें जो है 30 kg तक का जो है ये लोड लोगों का उठा सकता है। अगर हम इस प्रोडक्ट की डिटेल की बात करें तो दोस्तों, इसका कलर जो है ब्राउन है, मटेरियल यूज़ किया गया है वो है मेटल, नेट वजन जो कंपनी दावा करती है वो 35 kg है। डायमेंशन की बात करें तो 106.7 लेंथ है, 104.1 जो है विड्थ है, 152.4 जो है ये हाइट है, और ये सारे सेंटीमीटर में है। तो इस झूले को आप बड़ी आसानी से खुद भी असेंबल कर सकते हैं, किसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये झूला जो है काफ़ी स्ट्रोंग है, और इसमें जो है हैवी ड्यूटी आयरन पाइप यूज़ किया गया है, जिसकी जो विड्थ जो है 12 गैंग है, और सॉफ्ट पीयू फॉर्म कुशन यूज़ किया गया है। इस झूले को जो है आप बड़ी आसानी से साफ़ कर सकते हैं। ये झूला जो है इंडोर यूज़ के लिए बना हुआ है, पर मैं जो है अपनी छत पे शेडो बनाकर लगा दूंगा, ऊपर मैंने गार्डन बना रखा उसमें मैं रखूँगा। फ्रेंड्स, हम वीडियो के नीचे जो है अपने अमेज़ोन पे स्टोर का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को जो है खरीद सकते हैं। हर प्रोडक्ट की हमने कैटेगरी बना रखी है। तो आप अब जो है इसका स्टैंड देख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सील है। तो मुझे लगता है कि इसी में जो है यूज़र मैनुअल या इसके स्क्रू नट्स वगैरह होंगे इसको असेंबल करने के लिए। तो चलिए, अब जो है हम इसकी भी अनरैपिंग कर देते हैं, इसको भी खोल देते हैं। प्लीज़ काट दीजिए। तो प्रोडक्ट जो है काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी भारी है, बड़ी मुश्किल से हम जो है यहाँ पर लाए हैं। और इसको जो है हम अपनी जो छत है, छत के ऊपर हम एक शेडो बनवाएंगे। हमारा जो है छत पर मिनी गार्डन है, तो वहाँ पर जो है हम इसको रखेंगे। चलिए, पूरी तरह से हम इसको रैपिंग काट देते हैं। दोस्तों, अब जो है आप ये देख रहे हैं कि हम जो है इस प्रोडक्ट को जो है अनरैपिंग कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, सेलर ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको पैक करके भेजा है,
और आपको जो है स्टैंड अलग मिलेगा, जबकि इसके कुशन जो है आपको अलग पैकिंग में मिलेंगे। और हम वीडियो की डिटेल में जो है सभी प्रकार के सभी ब्रांड के झूलों का लिंक्स डाल देंगे, तो आप वीडियो की डिटेल को जरूर चेक करना। और इस झूले को अब हम जो है यूज़ कर रहे हैं, एक महीना हो गया है और हमें ये काफ़ी अच्छा लगा है। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी क्योंकि हम आपको इसको असेंबल करते हुए भी दिखाएंगे कि इसको कैसे आप असेंबल कर सकते हैं। तो ये इसके नट्स वगैरह आप ये देख सकते हैं, तो इसको हम अलग कर देंगे। अभी यूज़र मैनुअल अभी तक हमें नहीं मिला, तो ये इसका यूज़र मैनुअल भी इसमें है। तो दोस्तों मैंने जो है इसका स्टैंड को जो है पूरी तरह से अनरैप कर दिया है, तो आप चाहो तो इसको अलग अलग करके जहाँ पर भी बनाना चाहते हैं असेंबल करना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं। उसके सारे स्टैंड के जो पार्ट जो हैं आपको दिख रहे हैं, और इसको कैसे आपने असेंबल करना है, कैसे आपने इसको बनाना है, एक एक चीज़ जो है इसमें बताई गई है। तो मैं आपको ये स्टूडियो के अंदर जो है आपको ये बता देता हूँ। तो जाने से पहले जो है मैं इसके सारे पाइप्स को जो है अलग कर देता हूँ, ताकि इसको मैं अपनी छत पर जब ले जाऊँ तो बड़ी आसानी से कैरी कर सकूँ। तो दोस्तों मैंने इसके सारे पार्ट्स को अलग अलग कर दिया है, और अब जो है मैं इसको बड़ी आसानी से खुद भी सिंगल हैंड से भी उठा सकता हूँ। आप ये देखिए, तो अब जो है इसको मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये इसके दो पाइप्स को भी मैंने अलग कर दिया है। अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं तो दोस्तों ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर जो है हमारा झूला हैंग होगा, और इसमें जो है एक्चुअली आप ये देख रहे हैं हुक, ये हुक लगेगा, और इसी में जो है हमारी जो कुशन आई है वो इसमें फिट होगी। और ये वाला हिस्सा मुझे लग रहा है कि इसके नीचे लगना चाहिए, तो देखना पड़ेगा डायग्राम में, क्योंकि ऊपर तो कोई पाइप है नहीं, तो नीचे की तरफ जो है ये वाला हिस्सा लगना चाहिए। मैं चाहता तो 11,000 में जो है बाज़ार से भी बनवा सकता था, जो कि बहुत मजबूत होता, पर उसमें एक कमी थी कि आप उसको कहीं पर भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मतलब वो एक जगह जो है फिक्स कर दिया जाता, और उसका जो वज़न जो है वो कम से कम 70 kg के आसपास होता, जबकि इसका नेट वज़न जो है 30 kg के आसपास होना चाहिए, तो मेरी छत पर जो है लोड कम पड़ेगा। अगर आपको डबल सीटर झूला चाहिए तो 1000 का अंतर है, आप 1000 फालतू भरकर डबल सीटर वाला भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हॉनेस्ट रिव्यू के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सेलर हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्री रिव्यू के लिए। तो दोस्तों आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि इस झूले को कैसे असेंबल करना है। जो मैं पाइप आपको बता रहा था जो नीचे लगेगा, तो आप ये देख सकते हैं कैसे लगेगा। तो ये वाली जो सीट है ये आपकी नीचे वाली है, जबकि ये वाली जो है आपकी बैक रेस्ट की तरह है। और इसको कैसे असेंबल करना है मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। दोस्तों पहले बताया कि भैया सारा पैकिंग मटेरियल आपने निकालना है, और उसके बाद जो है आपने इसका स्टैंड तैयार करना है, मतलब जो हिस्सा हैंग होता है झूले का उसको आपने अलग तैयार करना है, इसका जो स्टैंड है वो अलग तैयार करना है। आप ये देखिए कैसे आपने इसको असेंबल करना है, एक एक चीज़ जो है इसमें बताई गई है। और आप ये देखिए इसके साथ जो है चाबी भी आई है, तो चाबी आप इसकी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बाज़ार में आपको ये चाबी भी मिल जाती। तो स्टैंड आपने बना, और उसके बाद जो है आपने हैंग करने वाला हिस्सा बनाना है, मतलब जो ये कुशंस हैं ये उसको आपने लगाना है, टाइट करना है, और कैसे टाइट करना है ये सारा एक एक तरीका जो है इसमें बताया गया है। आप बड़ी आसानी से डायग्राम देखकर भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों आपने इस झूले को जो आपने स्टैंड तैयार कर रखा है उसमें हैंग करना है। आप ये देखिए यहाँ पर हुक बना हुआ है, तो यहाँ पर है, आप हुक में लगा दोगे तो बड़ी आसानी से जो है आपका झूला झूलने लगेगा। चलिए अब जो हम किसी एक्सपर्ट को बुलाकर इसको असेंबल करते हुए आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अब जो हम इसकी असेंबलिंग शुरू करेंगे, तो जैसे हमने आपको बताया था ये हमें 11,000 रुपये के आसपास पड़ा है, 11,500 रुपये इसकी प्राइस है। तो हम जो है इसकी स्क्रू वगैरह और ये चाबी वगैरह सब इसकी अनरैपिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है यूज़र मैनुअल में सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, और अब जो है इसकी असेंबलिंग करें। तो जो हमारे ये जो दो डंडे हैं
जिसमें हमारा ये आपका हैंग करने वाला ये लग रहा है हुक, तो ये जो है आपका जो नीचे है ये लगा रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, सरल है। तो आप ये देखिए कैसे आपने लगाना है, तो होल्स टू होल्स मैच करने हैं, और ये बड़े बड़े जो नट आए हैं, मतलब ये क्या कहते हैं इसको भैया, 3.5 इंच नट है, और जो पीछे डल रहा है स्क्रू नट जो हम ये डाल रहे हैं, आप ये देखिए आर पार कर रहे हैं। तो इसको वैसे आप खुद भी असेंबल कर सकते थे, पर हमने जो है वीडियो अच्छी बनाने के लिए जो है हम किसी प्रोफेशनल से करवा रहे हैं। तो ये देखिए बड़े बड़े नट्स लग रहे हैं, और इसको ख़रीदने का फ़ायदा ये होता है कि भैया ये पोर्टेबल है, आप आसानी से इसको असेंबल कर सकते हैं, और लाइट इन वेट है, आपकी छत पर ज़्यादा वजन नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए ऊपर लगा रहे हैं, आप ये देखिए जगह आप देख लीजिए, वैसे आपको पाइप्स में होल्स दिख जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर लगाया, सेम एक नट जो है हमारा ऊपर लगेगा इसमें, और दूसरा जो है इसके नीचे लगेगा। तो बड़े बड़े ये स्क्रू हैं वो नीचे बेस में लगेंगे, और पाइप जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो ये साइज जो है शायद बाजार में मिल जाता है क्या, ये जो होती है दुकान होती है ऐसे पाइप्स मिल जाते हैं? तो पाइप जो है सेलर ने बहुत ही अच्छे भेजे हैं, मजबूत भेजे हैं, मतलब लाइफ लॉन्ग रहेंगे, आसानी से ख़राब नहीं होंगे। पहले ढीले हाथों से हमने इसको टाइट किया, और अब जो है जो चाबी आई है, चाबी कौन से नंबर की यूज़ कर रहे हो भैया बताना ज़रा? 15 नंबर की चाबी आई है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि सेलर ने चाबी भी भेज दिया, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाती। तो अब जो है ये देखिए दो चाबी का यूज़ कर रहे हैं, एक तरफ से जो है हम स्क्रू को पकड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ से नट को टाइट कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप करते जाएंगे टाइट, पहले ढीले हाथों से जो है आपने स्क्रू और नट को टाइट करना है, और इस तरह से जो है आपका झूला असेंबल होता जाएगा। ये दूसरी भी 15 नंबर की चाबी है भैया? तो बेस में जो है बस इतने ही नट लगने हैं, मतलब और ज़्यादा नहीं लगेंगे? नहीं। तो आप ये देख लीजिए, एक ऊपर दो नीचे, तो वीडियो के जरिए आप समझ लीजिए कैसे इसको असेंबल करना है। 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर हैं, तो वैसे इसमें होल्स होता है, और डायग्राम में भी बताया गया कि भैया कितने स्क्रू लगेंगे, कौन से नंबर का मतलब लगेगा, बड़ा लगेगा छोटा लगेगा, एक एक चीज़ जो है सेलर ने अपने यूज़र मैनुअल में बताया है। तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी शरीर में ताकत होनी चाहिए। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो डाउट हो आप हमें फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब देंगे। दोस्तों ये हम ये बेस जो है ये हैंग करने वाला हिस्सा जो है ये लगाकर देख रहे हैं भैया कैसा लगेगा। तो चलिए अब जो है ये हम इसका गद्दी अवदिया लगाते हैं। अब जो है ये हम नीचे वाली गद्दी लगा रहे हैं, तो ये सब का नीचे आएगा, तो ये टांग कर रहे हैं। तो आप चाहो तो इसको रख कर सकते हैं जमीन पे। तो अभी देखिए तरीका समझ लीजिए कैसे असेंबल कर रहे हैं। तो ये वाली जो कुशन है आपका यू नीचे आएगा, तो ये थोड़ा टाइट करने के लिए है, तो यार टूट ना जाए, नुकसान ना कर देना मेरा 11,000 का। तो इन्होंने कर दिया है, तो लगभग झूला तैयार होने वाला है, 5 मिनट में ही भैया ने तैयार कर दिया है। बस ये कुशन टाइट होते ही हमारा झूला जो है झूलने के लिए तैयार हो जाएगा, और फिर जो है हम इसको टेस्ट करेंगे कि भैया ये झूलता भी है कहीं अच्छे से, और मुझे जो डिज़ाइन लग रहा है ये काफ़ी अच्छा झूलेगा। तो इसमें जो है 4 स्क्रू नट्स का जोड़ा लगेगा, ये देखिए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और ऊपर भी शायद 4 लगेंगे। तो अब जो है हम इसमें बैक कुशन भी लगा रहे हैं,
तो ये समझ रहे हैं कि भैया कैसे लगेगा। तो होल्स तो यहाँ पर है, तो देख रहे हैं भैया कहाँ पर होल्स हैं, कैसे मैचिंग करानी है। कंफ्यूज हो गए हैं भैया। और ये अब हम देखिए कैसे आपने इसको लगाना है। तो ये हमारी जो है झूला लगभग तैयार है झूलने को, और अब जो है वहाँ से हमने टाइट कर दिया है, अब जो है यहाँ से हम टाइट कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, सेलर ने कहा है कि भैया ये आपकी जो पन्नी लग रही है पाइप्स में 15 दिन में उतार दे, क्योंकि मॉइस्चर जाता है इन पन्नियों में और फिर जंग लगने लग जाता है। तो सारी पन्नियां जो है आपको 10 से 15 दिन में हटा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, आप हमारी मदद कर सकते हैं। वीडियो के नीचे जो है थैंक्स लगा हुआ है, आप चाहो तो हमें पैसे डोनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग। इसमें कौन सी चाबी लग रही है? 11। तो सीट को लगाने के लिए जो चाबी है वो 11 नंबर है, और जबकि जो हमने स्टैंड तैयार किया था उसमें 15 नंबर की चाबी लगी थी। वीडियो जो है थोड़ी लंबी बन गई है, क्योंकि हम अपनी हर एक वीडियो में जो है एक एक चीज़ जो है बहुत ही डिटेल में दिखाते हैं। तो इस झूले को कैसे आपने असेंबल करना है, और हम इसका रिव्यू भी आपको बताएंगे कि लास्ट में भी हमने 15-20 दिन इसको यूज़ किया है तो ये झूला कैसा है। ऊपर वाली कुशन में भी आपके 4 स्क्रू नट्स लगेंगे। आप ये देखिए, एक यहाँ पर है, आप देख लीजिए इस पाइप पे है, और एक आपका यहाँ पर है, और सेम दूसरी तरफ भी है। अगर आपको इस झूले को शिफ्ट करना हो बिना डी असेंबल करे, तो आप ये हैंग करने वाला हिस्सा अलग कर सकते हैं और ये स्टैंड को अलग आप ले जा सकते हैं। देखिए हम नीचे से भी ये टाइट कर रहे हैं, पहले ढीले हाथों से किया था और अब जो है टाइट कर रहे हैं चाबी से। और इसी के साथ जो है हमारा झूला जो है लगभग तैयार हो गया है, बस ये टाइट करते ही जो है ये हमारा झूला झूलने को तैयार हो जाएगा। और प्रोडक्ट जो है काफ़ी अच्छा है, प्राइस वाइज थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर लोकल मार्केट में ये चीज़ मिल जाती तो 6,000 से लेकर 7,000 के बीच पड़ जाती, तो प्राइस जो है थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। ऑनलाइन जो चीज़ें हैं थोड़ी सी महंगी होती हैं, क्योंकि यूनिक डिज़ाइन होता है उनका। ये हमारा झूला जो है पूरी तरह से असेंबल हो गया है, और इसको जो है हम 2 महीने से यूज़ भी कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसमें काफ़ी डस्ट लग गई है। तो ये झूला जो है इंडोर यूज़ के लिए है, आउटडोर अगर आपने रखना है तो बालकोनी में रखें जहां पर बरसात का पानी ना आए। सेफ्टी के लिए जो है मैंने एक्स्ट्रा ये कवर्स लगा दिए, ताकि इसका ओरिजिनल जो कुशन है वो गंदी ना हो। फिर भी हो गई है, पर मैं थोड़ा और कवर डाल दूंगा। और इस सीट पे जो है बिल्ली बैठ जाती थी बार बार, तो मैंने ये कांटेदार चीज़ लगा दी है, अब जो है बिल्ली नहीं बैठती है। और आपको ये लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन अमेज़ोन पर भी मिल जाएगा, तो मैं वीडियो के नीचे इसका लिंक्स डाल दूंगा। तो चलिए मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। अब जो है हम बिना पर्सन के इसको आपको स्विंग करके दिखाते हैं। तो आप ये देखिए कितना तेज़ी से ये स्विंग हो रहा है। कंसेप्ट जो है बहुत ही बढ़िया है, इंडोर यूज़ के लिए है। तो 11,000 रुपये के आसपास सिंगल पर्सन के लिए है ये, और 150 केजी का ये नेट वज़न सह सकता है। इसको रोक कर बैठिए प्लीज़। तो अब जो है हम इसको यूज़ करके आपको दिखा रहे हैं। बेसिकली जो है इसकी जो हाइट जो है, कई लोग कह रहे हैं कि भैया थोड़ी ऊँची होनी चाहिए, एक बार रुक जाओ और दिखाओ। अब ये देखिए, ये पैर जो है, अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो ये आपकी पैर जो है अड़ेंगे। कंसेप्ट यही है कि भैया कोई एडल्ट है, वो थोड़ा बहुत काम करते हुए टीवी देखते हुए इसमें झूले। तो बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, जो लोग जो हैं ऐसा झूला एफर्ड कर सकते हैं, अपने कमरे में लगा सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं जगह है तो, उनके लिए जो है बहुत ही अच्छा है। ये इतना हल्का है, लाइट इन वेट है, कि बड़ी आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पैसा वसूल प्रोडक्ट है, थोड़ा सा 2 या 3 हज़ार सस्ता होता तो शायद इसकी सेल ज़्यादा होती।
दोस्तों इस ब्रांड की जो चेयर है अभी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत जल्द वापस स्टॉक में आएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया सिंगल पर्सन के लिए जो इसका प्राइस कंपनी ने रखा है वो 11,000 रुपये के आसपास है, और प्राइस जो है हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ऑफर के साथ भी। आप ये देखिए डबल पर्सन चेयर भी आप देख रहे हैं, इसका प्राइस जो है 1,000 महंगा है, 12,500 रुपए के आसपास है। कुशेंद्रा ब्रांड में जो है आपको बहुत सारी डिफरेंट चेयर मिल जाएंगी, नहीं तो दूसरी टाइप की चेयर मिल जाएंगी, तो जिनका प्राइस अलग अलग होता है। आप ये देखिए तो काफ़ी प्रकार की यूनिक स्विंग चेयर जो है आपको ऑनलाइन अमेज़ोन पर मिल जाएगी। तो आप वीडियो की मैं डिटेल में जो है सारे लिंक्स डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। मुझे तो ये मॉडल जो है बहुत यूनिक लगा और इंडोर यूज के लिए परफेक्ट है। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुखदेव तनेजा, इसके नीचे आप रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना, तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पे, तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना, तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टेबलेट पे आएंगे।